हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं बीडब्ल्यू के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है डीसी सर्किट्स, यानी डायरेक्ट करंट सर्किट्स। अब इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है ये मैं अभी डिस्कस करूंगा, और उन चीजों को पढ़ने के लिए कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको ऑलरेडी पता होने चाहिए ये भी हम देखेंगे। तो दोस्तों, अगर ओवरऑल चैप्टर की अगर हम समरी देखें तो इस चैप्टर में टोटल हमें इन 8 कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, जिसमें हमारे पास है किरचॉफ लॉस, जो ऑलरेडी आपको 11th 12th में पढ़ाया गया होगा। दोस्तों, अब बस उसी लॉ को थोड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट पे अप्लाई करना है, लेकिन उसे भी हम इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में पूरा बताऊंगा अच्छे से। इसके बाद हमें पढ़ना है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार डेल्टा टू एंड डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये सब क्या होता है धीरे धीरे हम देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद दोस्तों, हमें मेश एंड नोडल एनालिसिस, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो कुल मिला के ये जो 8 कॉन्सेप्ट्स आपको दिख रहे हैं ये हम अपने पूरे वीडियो लेक्चर सीरीज में कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पर दोस्तों, इन सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिन्हें आपको समझना होगा। उन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप इन चीजों को बेहतरीन समझ सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम इन बेसिक टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है। वैसे तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम थ्योरम्स नए नए पढ़ेंगे उसके लिए जो बेसिक रिक्वायर रहेगा वो मैं आपको पहले बता दूंगा। अब दोस्तों, इस वीडियो के बाद मैं आपको किरचॉफ्स लॉ के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। किरचॉफ्स लॉ को हम कॉम्प्लेक्स सर्किट पे कैसे लगा सकते हैं ये बताने वाला हूँ, और उसे समझने के लिए आपको ये जो दिख रहा है टर्म्स इन्हें समझना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पर सबसे पहला जो टर्म है वो है एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। तो एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट क्या होता है इसे समझाने के लिए यहाँ पर मैं आपको एक सर्किट का एनिमेशन दिखाता हूँ। इस सर्किट को देखिएगा, जिसके अंदर आपको एक वोल्टेज सोर्स दिख रहा है और सर्किट के अंदर यहाँ पर आपको करंट फ्लो होता हुआ दिखाई देता होगा, राइट। तो दोस्तों, ये सर्किट के अंदर जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो फ्लो किसकी वजह से हो रहा है, इस बैटरी की वजह से हो रहा है, यानी ये बैटरी रिस्पॉन्सिबल है सर्किट के अंदर एनर्जी सप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, पूरे सर्किट में वो एलिमेंट जो एनर्जी को सप्लाई करता है, ध्यान से सुनिएगा, पूरे सर्किट में वो एलिमेंट जो एनर्जी को सप्लाई करता है उसे हम कहते हैं एक्टिव एलिमेंट, और वो एलिमेंट्स जो एनर्जी को रिसीव करते हैं उन्हें हम कहते हैं पैसिव एलिमेंट। तो दोस्तों, ये एक डीसी सर्किट है जिसके अंदर हमारे पास एक बैटरी है जो एनर्जी को सप्लाई कर रहा है, तो बैटरी एक एक्टिव एलिमेंट है, और जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो सारे के सारे पैसिव एलिमेंट है। अगर यही सर्किट एसी हो जाता था, मतलब अगर ये अल्टरनेटिंग करंट होता था बैटरी की जगह, अगर मैं एसी सप्लाई लगा दूं, तो दोस्तों उस केस में अगर हमारे पास रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, पैसिव एलिमेंट, क्योंकि वो एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। उसी के जगह अगर इंडक्टर या कैपेसिटर होता था तो वो भी पैसिव एलिमेंट कहलाते थे। आपको एक कंसेप्ट को समझना होगा कि पैसिव एलिमेंट एनर्जी को लेकर उसे किसी और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे अगर मेरे पास कोई रेजिस्टेंस है तो वो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेकर उसे हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देता है। उसी की जगह अगर मेरे पास कैपेसिटर हो तो आपको मालूम है कैपेसिटर के अक्रॉस एनर्जी लगाने पर वहां पे चार्ज स्टोर हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो वो यहाँ पर हमारी एनर्जी को लेकर किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, राइट। देन दोस्तों, उसके बाद अगर मेरे पास इंडक्टर होता था तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है। तो कुल मिलाकर जो पैसिव एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेकर उसे दूसरे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों, बैटरी या कोई दूसरा एनर्जी का सोर्स जो भी है उसे हम एक्टिव एलिमेंट कहेंगे, और जो उस एनर्जी के सोर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं उसे हम पैसिव एलिमेंट कहेंगे। तो ये हो रहा कंसेप्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, ओके। सो नेक्स्ट दोस्तों, हमारे पास है नोड एंड जंक्शन। इसे समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोड एंड जंक्शन को लेकर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो पूरा एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा। दोस्तों, वो पॉइंट जहां पर दो या दो से ज्यादा सर्किट के एलिमेंट्स मीट करते हैं उसे हम नोड कहते हैं। सो दोस्तों, अगर आप इस सर्किट को अगर एनालाइज करोगे तो यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जिसका एक एंड पॉइंट यहाँ मीट कर रहा है। दोस्तों, इस बैटरी का एक एंड पॉइंट यहाँ मीट कर रहा है और इस रेजिस्टेंस का एक एंड पॉइंट यहाँ मीट कर रहा है। तो ये जो आपको दिख रहा है पॉइंट ए, दोस्तों ये पॉइंट ए पर तीन लोग मीट कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, वो पॉइंट जहां पर सर्किट के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मीट करे उसे हम नोड कहते हैं। तो ये एक नोड कहलाएगा, ओके। यहां पर मैं एक आपको और सर्किट दिखाना चाहूंगा, उस सर्किट को देखिएगा जो आपके डिस्प्ले पे भी आ रहा है। दोस्तों, इस सर्किट में अगर आप देखेंगे पॉइंट ये जो दिख रहा है यहां पर, इस पॉइंट को देखिए दोस्तों, इस पॉइंट को मैं अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूं। सो यहां पर अगर हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट पे कितने एलिमेंट मीट कर रहे हैं, बैटरी का एक ये टर्मिनल मीट कर रहा है और रेजिस्टेंस का ये वाला लाइन है ना, तो यहाँ पर दो लोग मीट कर रहे हैं तो ये कहलाएगा नोड, ये पॉइंट एक नोड है। सो आई होप आपको नोड समझ गया, जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग मीट करते हैं। तो दोस्तों, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है,
अब जंक्शन क्या होता है दोस्तों? जंक्शन हम उसे कहते हैं जहां पर तीन या तीन से ज्यादा एलिमेंट्स मीट होते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है जंक्शन और नोड में कि नोड के अंदर दो या दो से ज्यादा मीट होने चाहिए और जंक्शन में तीन मिनिमम होना ही चाहिए। मतलब अगर आप इस पॉइंट को देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों एक ये और एक ये तीन लोग मीट कर रहे हैं, इसलिए जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये वाला जिसे यहाँ पर टू से इंडिकेट किया गया है ये दोस्तों एक जंक्शन है। लेकिन अगर आप पॉइंट वन को देखेंगे यहाँ पर वन लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पर कितने लोग मीट कर रहे हैं? दो लोग मीट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये नोड होगा, जंक्शन नहीं होगा, क्योंकि जंक्शन किसी चीज को तब कहा जाएगा जब वहां पर तीन या तीन से ज्यादा एलिमेंट्स मीट होंगे। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि एवरी जंक्शन इज नोड बट एवरी नोड नीड नॉट बी अ जंक्शन। मतलब यहाँ पर दोस्तों ये जो दिख रहा है ये एक नोड है लेकिन ये जंक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप इसे देखेंगे तो ये जंक्शन है और नोड दोनों है। मतलब अगर कोई पॉइंट जंक्शन है तो वो नोड भी होगा, लेकिन अगर कोई पॉइंट नोड है तो वो जंक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया। सो लेट्स सी नेक्स्ट कंसेप्ट जो है हमारा ब्रांच का। तो दोस्तों ब्रांच हम सर्किट के उस पार्ट को कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ब्रांच हम सर्किट के उस पार्ट को कहते हैं जो दो जंक्शन के बीच में जुड़ा होता है। यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये पूरे सर्किट में दोस्तों पॉइंट नंबर टू एक जंक्शन है, राइट, और पॉइंट नंबर यहाँ पर जो जीरो दिख रहा है ये देखो, ये जो जीरो से इंडिकेट किया गया है ये डॉट जो एक्चुअली में तीन एलिमेंट को मिला रहा है, एक ये रेजिस्टेंस, एक ये बैटरी का और दूसरा ये वाला बैटरी का, है ना, ये वाला बैटरी का पॉइंट आके यहाँ पे मिल रहा है। तो दोस्तों ये जो जीरो से इंडिकेट किया गया ये टर्मिनल ये क्या है? एक जंक्शन है। तो ये जंक्शन और ये जंक्शन के बीच में जो जो कनेक्टेड होंगे उसे हम ब्रांच कहेंगे। मतलब अगर मैं ये पूरा का पूरा पार्ट देखूं, यहाँ से देखिए ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये एक ब्रांच है, समझे? अगर मैं इसे नाम दूं तो कुछ इस तरह 2100 2100 क्या कहलाएगा? एक ब्रांच कहलाएगा। आप सोचेंगे सर इसे जीरो और इसे जीरो सेम क्यों दिया गया? क्योंकि दोस्तों ये पूरा एक सिंगल वायर है, राइट, इसके बीच में कोई कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये सिर्फ ऐसे टर्न किया गया है, समझ रहे? मतलब ओवरऑल दिस लाइन पोटेंशियली सेम, ये पूरा एक वायर है ना तो इसके अक्रॉस पूरा पोटेंशियल सेम होगा। इसके बीच में अगर कोई कनेक्ट होता था तो इसे मैं कुछ और नाम दे देता था, लेकिन ये पूरा एक ही वायर है, समझे? तो दोस्तों ये जो है ना 2 1 फिर 0 0 ये एक ब्रांच है क्योंकि ये दो जंक्शन के बीच में कनेक्ट हुआ है। वैसे आप देखेंगे दोस्तों ये जो बीच में रेजिस्टेंस कनेक्ट हुआ है ये भी एक ब्रांच है क्योंकि ये दो जंक्शन के बीच में कनेक्ट हुआ है। वैसे उस तरफ का जो पार्ट है 2 3 एंड देन 0 0 वो वाला पार्ट, यानी ये वाला पूरा का पूरा पार्ट, ये भी दोस्तों क्या है? एक ब्रांच है। आई होप आपको क्लियर हो गया। ब्रांच किसे कहते हैं? जो दो जंक्शन के बीच में कनेक्टेड पार्ट होता है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है लूप एंड मेश का। इसे भी ध्यान से समझिएगा कि लूप और मेश में क्या कंसेप्ट है। तो नाम दोस्तों लूप, इससे आपको पता चल रहा है ऐसा पार्ट जिसमें लूप हो, राइट। मतलब दोस्तों हमारे सर्किट में वो पार्ट जो क्लोज्ड हो, जो क्या हो? क्लोज्ड हो, उसे हम लूप कहते हैं। जैसे यहां पर अगर आप देखोगे ये पूरा का पूरा आप पार्ट देखोगे ये क्लोज्ड है ना, राइट, तो ये एक पूरा लूप है। अब अगर इसे मुझे नाम से इंडिकेट करना है तो देखिए 1 2 0 0, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक लूप है। उसके दोस्तों 2 3 0 0 यानी ये वाला पूरा, ये एक लूप है। उसके बाद और एक लूप ढूंढ सकते हो पूरा सर्किट, राइट, यानी ये 0 फिर 1 फिर 2 देन 3 0 0 0, ओके, तो ये पूरा का पूरा एक लूप होगा। सो लूप का सिंपल मतलब होता है क्लोज्ड पाथ इन अ सर्किट। लेकिन दोस्तों मेश का मतलब क्या होता है? दोस्तों मेश हम इनडिविजिबल लूप को कहते हैं, अब इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं यहां पर इस पूरे सर्किट को कंसीडर करूं जो एक लूप है, मतलब 0 1 2 3 0 0 0, तो यहां पर देखोगे ये पूरे सर्किट को मैंने एक लूप कहा, लेकिन दोस्तों इस पूरे लूप के अंदर भी दो लूप है ना। ये जो पूरा का बड़ा लूप है, ये जो पूरा वाला बड़ा लूप है, इसके अंदर ये दो छोटे लूप है। मतलब ये बड़े लूप को मैं दो छोटे लूप में डिवाइड कर सकता हूँ, तो इसे हम मेश नहीं कहेंगे। मेश किसे कहेंगे? ऐसा लूप जिसके अंदर और लूप ना हो। मतलब यहाँ पर वो कौन होगा? ये वाला और ये वाला। अगर दोस्तों मैं ये वाला लूप कंसिडर करूँ तो इसके अंदर और लूप नहीं है, मतलब अंदर और सर्किट नहीं है, तो ये एक मेश कहलाएगा। वैसे दोस्तों अगर मैं इस वाले लूप को कंसिडर करूँ तो इसके अंदर और सर्किट नहीं है, तो एक मेश कहलाएगा। आसान सा कंसेप्ट है। तो मैं कह सकता हूँ कि एवरी मेश इज अ लूप, लेकिन एवरी लूप मेश नहीं होता, ओके? तो ये था दोस्तों बेसिक कंसेप्ट ऑफ लूप और मेश। आपको दो चीजें यहाँ पर समझनी है, नोड एंड जंक्शन में क्या डिफरेंस है, लूप एंड मेश में क्या डिफरेंस है। बाकी की तो चीजें ठीक ठाक है, लेकिन आपको पूरे चैप्टर में नोड, जंक्शन, लूप, मेश बार बार आएगा, ठीक है?
तो वो दोनों को अच्छे से नोटबुक में लिख लीजिएगा। और आइए दोस्तों अब हम समझते हैं कि किरचॉफ वोल्टेज एंड किरचॉफ करंट लॉ बेसिकली किस फंडा का यूज करके बनाया गया है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके ऊपर प्रॉब्लम्स को आपको बताऊंगा कि कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करना चाहिए। सो लेट्स सी किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। दोस्तों आप सब लोग ने अपने 11th स्टैंडर्ड में किरचॉफ्स लॉस के बारे में पढ़ा होगा। बेसिकली किरचॉफ एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने दो लॉ डेवलप किए थे जिसे हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ सेकंड लॉ से जानते हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ किरचॉफ करंट लॉ यानी केसीएल लॉ कहलाता है, और जो किरचॉफ हमारा सेकंड लॉ है किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी केवीएल से जाना जाता है। दोस्तों केसीएल बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बनाया गया है, यानी अगर मेरे पास कोई भी जंक्शन हो, जंक्शन का डेफिनेशन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ऐसा पॉइंट जहां पर तीन या तीन से ज्यादा एलिमेंट्स आकर मिलते हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जंक्शन कहेंगे, राइट। अगर दोस्तों तीन से कम है तो उसे हम नोड कहेंगे। सो दोस्तों जब भी हम किरचॉफ्स करंट लॉ को पढ़ते हैं तब हम जंक्शन के बारे में बात करते हैं, नोड के बारे में क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है अगर दो पॉइंट आकर या दो एलिमेंट सर्किट के आकर एक पॉइंट पे मिलते हैं तो इसे हम नोड कह सकते हैं, राइट। जैसे मैं एक एग्जांपल के जरिए बताता हूँ, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है मेरे पास कुछ इस तरह जिसे मैं कहता हूँ R1, और दूसरा रेजिस्टेंस है मेरे पास इस तरह जिसे मैं कहता हूँ R2, तो ये क्या कहलाएगा, ये एक नोड कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर दो एलिमेंट मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ से जितना भी करंट आएगा, अब देखिए यहाँ पर R1 से जितना भी करंट आएगा वो करंट R2 में भी जाएगा, राइट। तो अगर मेरे पास सिर्फ दो एलिमेंट मिल रहे हैं तो वहाँ पे करंट की स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, मतलब जो करंट आ रहा है वही करंट निकल रहा है। करंट की स्प्लिटिंग तब होगी जब मेरे पास दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक पॉइंट में मीट करेंगे। कुछ इस तरह देखिए, अगर मैं एक नया सर्किट यहाँ पर बनाऊं कुछ इस तरह, एक R1 और फिर दूसरा R2 एंड देन तीसरा यहाँ पर R3। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर दिखता होगा। यहाँ पर दोस्तों अगर इस तरह का सर्किट है मेरे पास कोई और ये एक पॉइंट है, तो अगर एक तरफ से करंट आ रहा है तो वो इन दो पार्ट में स्प्लिट हो सकता है। तो स्प्लिटिंग करंट की तब पॉसिबल होती है जब मेरे पास कोई जंक्शन होता है, राइट। तो इसलिए हम किरचॉफ्स करंट लॉ में जंक्शन नाम की चीज पढ़ते हैं। तो मैंने इसी के लिए आपको इसके पहले नोड एंड जंक्शन दोनों के बारे में कंसेप्ट बता दिया। तो अब यहाँ पर आप ये देखिएगा कि अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करें, दोस्तों सपोज मैं इस सिनेरियो में ऐसा लेता हूँ कि यहाँ से अगर R1 से जो है वो 100, सपोज टोटल 100 इलेक्ट्रॉन्स एंट्री मार रहे हैं, ठीक है, तो 100 में से कुछ 50 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, या समझो 70 इलेक्ट्रॉन यहाँ इस तरफ चले गए, और उसमें से 30 इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड चले गए। और ऐसा हो सकता है क्या कभी कि 100 इलेक्ट्रॉन आए थे उसमें से 40 यहां चले गए और उसमें से 50 यहां चले गए? दोस्तों नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 50 और 40 मिला के 90 होते, क्योंकि 100 इलेक्ट्रॉन टोटल आए थे, तो टोटल निकलने के बाद मतलब जब स्प्लिट हो रहे हैं तो जो भी यहां गया और जो भी यहां गया वो मिलाकर 100 ही होना चाहिए, क्योंकि अगर बीच में आप 10 गायब कर दे रहे हो मतलब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को यहां पर वायलेट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यार अगर 100 चार्ज आ रहा है तो उसमें से एक तरफ 40 गया और दूसरी तरफ 50 आया, तो वो बीच का 10 कहां गया, राइट। तो दोस्तों यहां पर ऐसा कभी नहीं होगा, इसलिए जितने भी चार्ज एंट्री मारते हैं उतने ही चार्ज क्या होते हैं वहां पर दूसरे पाथ से आउटगोइंग भी होंगे, मतलब इनकमिंग जितने चार्ज है उतने इक्वल टू आउटगोइंग होंगे। और इसलिए इन जनरल अगर मैं यहां पर बनाऊं कंसेप्ट तो इसे मैं इस तरह कह सकता हूं कि अगर सपोज इस केस में Q1 चार्ज एंट्री कर रहे हैं तो, और यहां से सपोज Q2 जाता है और यहां से Q3 चार्ज जाता है, तो मैं कह सकता हूं Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3। समझे अच्छे से, देखो मैं फिर से बताता हूं। दोस्तों यहां से Q1 चार्ज आया, फिर यहां से Q2 गया और फिर यहां से Q3 गया, ठीक है। तो जितना Q1 आया था वही इक्वल टू क्या होगा, Q2 प्लस Q3 बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब मान लीजिए स्प्लिट होते समय, मतलब जब ये चार्ज यहाँ पे आया और जस्ट फटाक से स्प्लिट हो गया, उसके लिए जो टाइम लगा वो बहुत कम होगा, उसे मैं कह देता हूँ टी। तो अगर दोस्तों मैं दोनों तरफ टी टी से डिवाइड कर दूँ इस तरह, मतलब दोनों तरफ मैंने टी टी से डिवाइड कर दिया, तो आप देखेंगे यार ये चीज़ क्या है, ये जस्ट एक एनालॉजी है, मतलब मैं एक्चुअल ऐसा डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि क्या सोच के अपना केसीएल लॉ बनाया गया है। दोस्तों ये Q1 बाई टी क्या है, करंट, और इसे मैं कहता हूँ I1, मतलब करंट थ्रू दिस एलिमेंट, है ना। और आपको मालूम है करंट इज चार्ज डिवाइड बाई टाइम, राइट। तो और दोस्तों Q2 बाई टी क्या होगा, करंट थ्रू R3 यानी I2, और उसके बाद Q3 क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों करंट Q2 बाई दोस्तों टी जो है Q2 डिवाइड बाई टी, ये करंट थ्रू ये है R2, और Q3 बाई टी ये करंट थ्रू R3 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा I3, राइट। सो ये बेसिक सा किरचॉफ्स केसीएल लॉ यानी किरचॉफ करंट लॉ, जो बेसिकली
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से बनाया गया है। तो अगर मैं इसे कुछ और अच्छे से आपको बताऊं, तो दोस्तों आपको ये ध्यान यहाँ पर देना है कि अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जो केसीएल लॉ पे है, तो उस पर हम करंट के कुछ कन्वेंशंस लेते हैं। मतलब जैसे इनकमिंग जो करंट है उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और आउटगोइंग करंट को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, और दोनों का सम क्या होगा, जीरो होगा। जिसे आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि I1 में, यहाँ पर दोस्तों I2 और I3 को मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड लेकर आऊँ तो मुझे मिलेगा -I2 -I3 = 0, राइट। तो ये क्या एक्चुअली में, ये है इनकमिंग करंट, मतलब जो आ रहा था एंट्री कर रहा था, और ये क्या है आउटगोइंग करंट लीविंग वाला, ठीक है। तो जो आउटगोइंग है उसे मैंने नेगेटिव नेगेटिव लिया है ना। तो इसी चीज को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, देखो I1 + -I2 + -I3 = 0, और इसे हम ऐसे कह सकते हैं सम ऑफ ऑल करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू जीरो, जिसमें कन्वेंशन आपको याद रखना है, यहां पर मैं इसे I कह देता हूं, और I की वैल्यू दोस्तों अगर मैं 1 पुट करूंगा तो मुझे I1 मिल जाएगा, 2 पुट करूंगा तो I2, और 3 पुट करूंगा तो I3 मिल जाएगा। तो I वेरी करेगा 1 से लेकर जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स जंक्शन पे ज्वाइन हो रहे हैं। जैसे मेरे केस में 3 हो रहे हैं, तो I1 से लेकर 3 तक वेरी करेगा, ठीक है, 3 एलिमेंट ज्वाइन हो रहे हैं। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जो भी आउटगोइंग करंट है उसे नेगेटिव लेना है, और जो भी इनकमिंग है उसे पॉजिटिव लेना है। एकदम आसान, ठीक है। तो इसी चीज को दोस्तों मैं डायग्राम के जरिए आपको बता देता हूँ। देखिएगा स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है, द टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन और अ नोड इज इक्वल टू द करंट लीविंग द नोड एज नो चार्ज इज लॉस्ट, ठीक है। तो बेसिकली किस पे बनाया गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। यहाँ पर दोस्तों नोड की जगह हम जंक्शन यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो किसी किसी टेक्स्ट बुक में नोड लिखा होता है, ये अज्यूम करके कि वहां पर 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट्स मीट कर रहे हैं, ओके। सो यहाँ पर इस डायग्राम को देखिए, जहां पर टोटल आप देखेंगे I1, I2 और I3, ये 3 लोग मीट कर रहे हैं, और निकल कितने लोग रहे हैं, I5 और I2, मतलब करंट उससे निकल रहा है, ठीक है। एलिमेंट तो टोटल 5 जुड़े हुए हैं, यहाँ पर सर्किट के 5 एलिमेंट जुड़े हुए हैं, लेकिन 3 एलिमेंट से करंट एंट्री कर रहा है और 2 एलिमेंट से करंट बाहर निकल रहा है। तो दोस्तों जो 3 एलिमेंट है उनसे जो करंट आ रहा है उसे पॉजिटिव लिया गया है, और जिनसे करंट निकल रहा है उन्हें नेगेटिव लिया गया, उनका सम क्या होगा, 0 होगा, ओके। सो करंट एंटरिंग द नोड इज ऑलवेज इक्वल टू करंट लिविंग द नोड। तो ये था दोस्तों किरचॉफ्स करंट लॉ। अब इसे हम कॉम्प्लेक्स सर्किट पे आसान तरीके से कैसे लगा सकते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊंगा। आइए पहले हम समझ लेते हैं नेक्स्ट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को। दोस्तों किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है, पहले हमें यह समझना होगा कि क्या सोचकर वो बनाया गया है, ठीक है, किस कंसेप्ट पे बनाया गया है। तो यहाँ पर मैं पहले रफली उस चीज को बताता हूँ। देखिए अगर मेरे पास कोई बैटरी है, सपोज मेरे पास एक बैटरी है और मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस है। अब दोस्तों इस बैटरी के पास जो भी पावर है वो पावर का यूज करके वो बैटरी इस सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराएगा, राइट। और आपने एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला देखी होगी जिसका नाम है W = VQ, यानी वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। मतलब अगर दोस्तों ये बैटरी का पोटेंशियल V है, और इस बैटरी ये बैटरी जो है ये क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इस सर्किट से फ्लो करा रही है, और यहां पर ये रेजिस्टेंस R है, तो मैं कहूंगा टोटल वर्क डन इज इक्वल टू VQ। और इसलिए दोस्तों हम लोग कह सकते हैं V = W/Q, राइट। तो ये होगा दोस्तों V का फॉर्मूला, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, है ना। तो मुझे एक बात बताइए सिंपल सा, अगर मैं इसी सर्किट को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर दूं, जैसे यहां पर एक और रेजिस्टेंस मैं ऐड कर देता हूं, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं करता, चलो सीरीज में 2 रेजिस्टेंस बोल देता हूं, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सर्किट तो कैसे एनालाइज करने का ये मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहां पर दोस्तों ये रेजिस्टेंस फर्स्ट वाला R1 है, दूसरा वाला सपोज R2 है। तो दोस्तों ये जो हमारे पास बैटरी है ये बेसिकली कर क्या रहा है, अपनी एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, R1 और R2 के थ्रू पास हो रहे हैं। लेकिन R1 और R2 रेजिस्टेंस है, इसलिए उसके थ्रू जब इलेक्ट्रॉन पास होगा तो उसे यार क्या फील होगा, रेजिस्टेंस फील होगा, और वो वहां पर एनर्जी लॉस होगी, और जो एनर्जी लॉस होती है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। क्या कहते हैं उसे हम, पोटेंशियल ड्रॉप। तो दोस्तों मैं ऐसे कह सकता हूं ना कि यार ये बैटरी ने जितनी भी एनर्जी सप्लाई की थी, तो इसे मैं देखो इस तरह लिखता हूं, ध्यान से सुनिएगा बहुत इंटरेस्टिंग है ये। मैं कह सकता हूं दोस्तों कि एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, जिसे मैं ई से रिप्रेजेंट करता हूं, इज इक्वल टू, या ई सिंबल अगर कंफ्यूजिंग है तो मैं डब्ल्यू से ही रिप्रेजेंट करता हूं, क्योंकि ई से ईएमएफ भी बहुत जगह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां पर दोस्तों मैं बोलूं कि डब्ल्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी बैटरी ने सप्लाई किया, जिसमें से W1 एनर्जी कंज्यूम हो गया इलेक्ट्रॉन को R1 के थ्रू पास कराने में,
और W2 अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम हो गया इलेक्ट्रॉन को R2 के थ्रू पास कराने में। तो दोस्तों W1 और W2 मिलाकर क्या होगा, इक्वल्स टू कैपिटल W। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल W अमाउंट ऑफ एनर्जी बैटरी ने लगाया इलेक्ट्रॉन को R1 एंड R2 के थ्रू पास कराने में, एकदम सिंपल। और दोस्तों एक तो चीज पूरा फिक्स है कि R1 से जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन R2 के साथ से जाएंगे, क्योंकि सीरीज में है। तो अगर मान लो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, और पूरे के पूरे अगर मैं लेफ्ट और राइट हैंड साइड क्यू से डिवाइड कर दूं इस तरह, तो आपने अभी जस्ट देखा था कि W by Q क्या होता है, V। तो दोस्तों ये W by Q क्या हो जाएगा, V, और फिर ये W1 by Q क्या हो जाएगा, V1, which is potential drop across this resistance, जिसे मैं कहता हूँ V1। वैसे दोस्तों नेक्स्ट ये जो R2 है इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, V2, जो ये दोस्तों W2 by Q होगा। So this is V2. तो ये रहा V equals to V1 plus V2, यानी बैटरी के जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा बैटरी का, या आप कह लीजिए बैटरी का जितना भी EMF होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो दोस्तों इक्वल होगा सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस द सर्किट, ठीक है। और यही कहलाता है दोस्तों KVL, यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और इसी को एक तरीके से हम और कह सकते हैं कि भाई V को इधर ही रखो, एंड माइनस दोस्तों ये जो V1 और V2 है इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं, तो V माइनस V1 माइनस V2 इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो अब इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, V प्लस, जैसे हमने करंट में किया था, माइनस V1 प्लस माइनस V2 इक्वल टू जीरो। तो अब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ना, देखो ये जो V है ये EMF ऑफ बैटरी है, और V1 और V2 क्या है, ड्रॉप्स है, मतलब वो लॉस हो रहे हैं, उतना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। दोस्तों जो ड्रॉप हो रहा है उसे हमने नेगेटिव लिया है, और जो सप्लाई हो रहा है उसे पॉजिटिव लिया है। तो मैं कह सकता हूं सम ऑफ ऑल वोल्टेज अक्रॉस अ सर्किट इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल वोल्टेज अक्रॉस अ सर्किट इक्वल टू जीरो। और ऐसे भी कह सकते हैं सम ऑफ वी क्या, एक्चुअली में EMF ऑफ बैटरी यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड वोल्टेज ड्रॉप्स, ये माइनस V1 और माइनस V2 क्या है, वोल्टेज ड्रॉप्स, माइनस क्या इंडिकेट कर रहे हैं, वो ड्रॉप हुए। तो दोस्तों सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड वोल्टेज ड्रॉप्स इज इक्वल टू जीरो, ऐसे भी कहा जा सकता है। और आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि जो ड्रॉप होगा उसे नेगेटिव लेना है, और जो सप्लाई हो रहा है उसे पॉजिटिव लेना है। और अब जो सप्लाई हो रहा है उसे पॉजिटिव लेना है और ड्रॉप हो रहा है उसे नेगेटिव लेना है, इस चीज को पहचानेंगे कैसे, इसके लिए कुछ कन्वेंशन बनाए गए हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। पहले आप यहाँ पर यह समझिए कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बनाया किस बेसिस पे गया, उसका मैंने पूरा प्रूफ आपको दे दिया, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद हम स्टेटमेंट देखते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का, जो क्या कहता है कि इन एनी क्लोज्ड सर्किट सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, जहां पर मैंने आपको बैटरी दिखाया था उसका EMF एंड वोल्टेज ड्रॉप्स, तो वो EMF जो भी सप्लाई हो रहा है फिर वो कहां कहां ड्रॉप हो रहा है इज इक्वल टू जीरो, मतलब वो सारे ड्रॉप्स और EMF वो सबको सम मिला दो तो वो जीरो हो जाएगा, ओके। तो यहां पर दोस्तों हम अगर इस सर्किट को देखें जो हमारे पास यहां पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो दोस्तों ये वोल्टेज V1 है बैटरी का, जिसे मैं अलग कलर से यहां पे हाईलाइट करता हूं। तो ये V1 बैटरी का वोल्टेज है, तो दोस्तों ये जो V1 है ये जितना भी एनर्जी देगा वही एनर्जी यहाँ यहाँ और यहाँ ड्रॉप होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि V1 इज इक्वल टू V2 प्लस V3 प्लस V4, ओके। या इसी को एक और तरीके से दोस्तों बताने के लिए ऐसा बोला गया कि यार जब भी हम करंट के डायरेक्शन में जाएंगे ना, जब भी हम करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तब वोल्टेज जो ड्रॉप्स होगा अक्रॉस रेजिस्टेंस उसे नेगेटिव लेना है, और जब हम किसी बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तब उसका जो वोल्टेज होगा वो पॉजिटिव कंसीडर करना है। यानी अगर दोस्तों इस सर्किट में मैं इस डायरेक्शन में जाऊं, जिस डायरेक्शन में ये दिखाया गया है ऐसे, तो देखिएगा कि अगर मैं यहां से ऐसे जाऊं तो मैं बैटरी के माइनस से प्लस की तरफ जा रहा हूं, तो दोस्तों यहां पर आपको इसको एज अ पॉजिटिव कंसीडर करना है। जस्ट ये क्यों बनाया गया, जो भी हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा उसको सही से रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैं यहां पर इसे V1 कंसीडर करूंगा, मतलब मैं माइनस से प्लस जाऊंगा तो उसे V1 कंसीडर करूंगा। फिर दोस्तों अगर मैं रेजिस्टेंस के अलोंग मूव हो रहा हूं और मैं करंट के डायरेक्शन में हूं, करंट का डायरेक्शन दोस्तों क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मतलब ऐसे प्लस की तरफ से लेकर ऐसे आएगा। तो दोस्तों जब आप ऐसे ऐसे जा रहे हो और रेजिस्टेंस की तरफ जाओगे तो कैसे जाओगे, ऐसे जाओगे ना, मतलब करंट के डायरेक्शन में जाओगे। तो करंट के डायरेक्शन में जो भी वोल्टेज मेजर करोगे अक्रॉस अ रेजिस्टेंस, जिसे हम वोल्टेज ड्रॉप कह रहे हैं, उसे नेगेटिव लेना है करंट के डायरेक्शन में, ठीक है। क्यों ऐसा नेगेटिव क्यों लेना है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ दोस्तों अगर आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको वहां पर एनर्जी लॉस करनी होगी, और वो एनर्जी लॉस को हमेशा नेगेटिव में लेते हैं,
अभी मैंने आपको प्रूफ बताया बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से, इसलिए करंट के डायरेक्शन में मेजर किया गया वोल्टेज ड्रॉप, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, करंट के डायरेक्शन में मेजर किया गया वोल्टेज ड्रॉप को नेगेटिव लेना। नहीं तो आप बोलोगे सर करंट तो ऐसे आ रहा था ना, तो बैटरी का ग्रोथ जा रहा है तो बैटरी का भी क्यों नहीं नेगेटिव लिया? तो आप इस चीज को समझिए, बैटरी के प्लस माइनस से प्लस जाएंगे तो उसे पॉजिटिव लेना है, ठीक है? सो बैटरी को अलग रखो और सर्किट में सर्किट एलिमेंट्स को अलग रखो, जो पैसिव एलिमेंट है उन्हें अलग रखना है, एक्टिव के लिए अलग कंसेप्ट है। सो दोस्तों जो एक्टिव एलिमेंट है जो एनर्जी को सप्लाई कर रहे हैं उनके नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाओगे तो वोल्टेज को पॉजिटिव लेना है, और करंट के डायरेक्शन को देखकर पैसिव एलिमेंट्स के वोल्टेज ड्रॉप के साइन को डिसाइड करना है, यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो प्लस से माइनस की तरफ आप जा रहे हो अगर करंट के डायरेक्शन में हो तो, प्लस माइनस भूल जाओ, अगर करंट के डायरेक्शन में दोस्तों मेजर कर रहे हैं हम लोग तो हमें उसे लेना होगा माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस वी टू। फिर दोस्तों हम लोग ऐसे मूव हो रहे हैं ना, देखो हम लोग ने स्टार्ट कैसे किया था, ऐसे स्टार्ट किया था फिर ऐसे गए राइट, फिर हम लोग ऐसे आएंगे। याद रखिएगा आपने जो डायरेक्शन डिसाइड किया है वो थ्रू आउट द सर्किट सेम रहना चाहिए, मतलब आपने पहले ऐसे गए और फिर ऐसे आ रहे हैं, तो दोस्तों हम जब ऐसे आ रहे हैं तो करंट भी तो ऐसे ही फ्लो हो रहा है ना, तो अगेन ये जो दूसरा वाला रेजिस्टेंस है इसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, नेगेटिव होगा, विच इज माइनस वी थ्री। ओके, देन उसके बाद हम नीचे आकर फिर ऐसे मूव करेंगे, और ऐसे अगर जब हम ऐसे मूव करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों जो वी थ्री है यहाँ पर, सॉरी जो वी फोर है वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस वी फोर और ये इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया अच्छे से। अगर दोस्तों आपको इतना जैसे समझ गया कि क्यों ऐसा हम माइनस और प्लस ले रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा कि ये साइन कन्वेंशन के बारे में एक बार फिर से बताऊंगा, न्यूमेरिकल्स पे कैसे आसान तरीके से अप्लाई करना है इसका भी ट्रिक्स बताऊंगा। इस वीडियो में जस्ट आपको प्रूफ बताया ओवरऑल कि वैसा क्यों हो रहा है, ठीक है? तो एक बार हम लोग फिर से विजिट करेंगे साइनिंग का कंसेप्ट, ये जो साइन का कंसेप्ट कन्वेंशन है इसके ऊपर वापस नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सर्किट इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप्स प्लस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो यहाँ पर V1 है, या कई बुक में ऐसा भी लिखा होता है समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट इज इक्वल टू जीरो। लेकिन दोस्तों बेसिक फंडा क्या है ये आप शायद समझ गए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले KCL से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को, फिर उसके वाले आने वाले वीडियोस में मैं KVL के ऊपर कराऊंगा, तो एक से एक कॉम्प्लेक्स सर्किट देखेंगे और आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।